सभी बच्चों के डिमांड के बाद मैंने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 9th क्लास का वीडियो बनाना शुरू किया। बच्चों 9th मेरे चैनल की सबसे खास विशेषता यह है कि आपके ही बीच से एक ऐसा शिक्षक जो बिल्कुल आसान लैंग्वेज से आपको पढ़ाता है, आपके ही बीच से एक ऐसा शिक्षक जिसको आप सभी बच्चे जानते हो। तो आप सभी बच्चों के डिमांड होने के बाद मैंने टॉपर्स तक चैनल में 9th क्लास का वीडियो बनाना शुरू किया। फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सबसे पहला चैप्टर कौन सा बनाया जाए। बच्चों सबसे पहला चैप्टर मैंने हिस्ट्री का जो है फ्रांस की क्रांति बनाया, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है, ऐसा लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता। तो फ्रांस की क्रांति की सबसे पहले पूरी समरी मैंने बनाई ताकि फ्रांस की क्रांति आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाए। और उसके बाद पूरी समरी बनाने के बाद फिर मैंने उसके 20 साल के क्वेश्चन बैंक पर आया और क्वेश्चन बैंक को हर एक क्वेश्चन पर डिटेल से मैंने डिस्कशन किया। बच्चों इस चैप्टर में हम लोग पहले क्या देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, राजा कौन था, रानी कौन थी, फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, समाज कितने भागों में बटा हुआ था, इस प्रकार वो जो फ्रांस की क्रांति होने का रीजन क्या था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बच्चों हम डिटेल से देखेंगे, आपको हर एक चीजें चुटकियों में समझ में आएगा। तो आप सभी बच्चों से यह निवेदन है कि आप सभी बच्चे जो है हमारे YouTube चैनल से जुड़े और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। और देखते हैं बच्चों मेन पॉइंट, पहले फ्रांस की क्रांति को अच्छे से समझ लेते हैं। बच्चों जो फ्रांस था वो यूरोप में एक देश है, आपको पता है ब्रिटेन के पास है, और फ्रांस जो है यूरोप में तो है, लेकिन फ्रांस जो है, फ्रांस का जो समाज था उस टाइम पे, हम 1789 की बात कर रहे हैं, हम 1775 की बात कर रहे हैं, तो उस समय बच्चों फ्रांस का जो समाज था वो तीन भागों में बटा हुआ था। फ्रांस का समाज तीन भागों में बटा हुआ था। ये तीन भाग कौन कौन से थे? प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट, तृतीय एस्टेट। कौन कौन सा समाज था फ्रांस में? प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट, तृतीय एस्टेट। तो फ्रांस जो था जिसमें प्रथम एस्टेट में चर्च के पादरी आते थे, बहुत सारे बच्चे 9th क्लास के ये नहीं समझ पाते हैं सर पादरी क्या होता है। बच्चों फ्रांस में तीन टाइप में समाज बटा हुआ था। पादरी का मतलब था चर्च के जो फादर होते थे। बच्चों पूरे विश्व में कई प्रकार के धर्म होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। तो जो ईसाई धर्म के जो गुरु होते हैं, ईसाई धर्म में जो चर्च का जो हेड होता है वो पादरी कहलाता है। जैसे हिंदुओं में मंदिरों का जो पुजारी होता है वो पंडित जी कहलाते हैं, जो मुस्लिमों में जो व्यक्ति मौलाना कहलाते हैं, उसी तरह से जो चर्च का फादर होता है उसे हिंदी में पादरी कहते हैं। तो जो प्रथम एस्टेट था वो पादरी होते थे, और पादरी जो है वो समाज में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। ऊंचा स्थान इसलिए था क्योंकि वो सबको आशीर्वाद देता था, वो अपने आप का कनेक्शन जो है डायरेक्ट ईश्वर से जोड़ता था, इसीलिए उसका जो है संबंध जो है वो पादरी से आता था। उसके बाद दूसरा है द्वितीय एस्टेट। द्वितीय एस्टेट में फ्रांस का सभी अमीर वर्ग, कुलीन वर्ग आता था। कुलीन वर्ग ध्यान रखेंगे बच्चों, कुलीन वर्ग क्या था कि एक तो राजा और राजा के जितने सगे संबंधी थे, राजा के जितने मंत्री थे, राजा के जितने सैनिक थे, यानी कहने का मतलब जो अमीर वर्ग के लोग थे वो सारे जो है कुलीन वर्ग कहलाते थे, वो कुलीन वर्ग कहलाते थे। तीसरा है बच्चों तृतीय एस्टेट। तृतीय एस्टेट में फ्रांस में थर्ड एस्टेट था, और थर्ड एस्टेट में फ्रांस में जितने बड़े बड़े व्यवसायी थे, व्यवसायी का मतलब है बिजनेस करने वाले लोग, व्यापारी थे, खरीद बिक्री करने वाले लोग, अदालती कर्मचारी का मतलब होता है कि जो अदालत में, जो कोर्ट में जो कर्मचारी होता है, क्लर्क होता है, वो सारे लोग थे, वकील थे, किसान था, कारीगर था, कारीगर का मतलब है कारपेंटर, काम करने वाले लोग, भूमिहीन मजदूर का मतलब होता है ऐसा मजदूर जिनके पास अपनी जमीन नहीं हो, भूमि से हीन हो, जिनके पास अपनी जमीन नहीं हो, दूसरे की जमीन पर काम करते हो। गांव वगैरह में आप जाओगे तो आपको मिलेगा कि अपनी जमीन नहीं है, दूसरे के खेतों में काम कर रहे हैं, उससे जो मजदूरी मिलती है उसी से अपना पेट भरते हैं, भूमिहीन मजदूर आदि। तो फ्रांस का समाज तीन भागों में बटा हुआ था, प्रथम एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट, तृतीय एस्टेट। अब लगभग जो था, ये जो कुलीन वर्ग था, सॉरी चर्च के पादरी थे, ये करीब करीब 2-3% आते थे। उसके बाद
करीब करीब 4-5% जो था वो सेकंड एस्टेट में राजा के सगे संबंधी जो प्रशासन का हेड था, जो राजा के मंत्री थे, वो सारे करीब करीब 5% ये लोग थे। लेकिन कुल मिलाकर के 5-6% ये लोग थे और करीब करीब 90-93% जो थे वो थर्ड एस्टेट के लोग थे। यही सारा लोग जो है बच्चों इन दोनों को टैक्स पे करता था। उस समय ये सारे लोग जो थे वो प्रथम एस्टेट को भी टैक्स देता था। अब अगर आप चर्च जाते हो, आप कुछ वहां चढ़ावा दक्षिणा चढ़ाते हो, वही टैक्स था। उसके बाद बहुत राजा जो है अपने जनता से टैक्स लेता था, उसके बदले में आपको कोई सुख सुविधाएं कि मैं कमी नहीं हो, तो इसलिए जो है राजा सभी जनता से टैक्स लेता था। उसके बाद लगभग 60% जमीनों पर कुलीन चर्च और तेती एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। यानी कहने का मतलब है फ्रांस में जितने जमीनें थी उपजाऊ जमीनें, उन 60% जमीनों पर कुलीन वर्ग का, चर्च का और तृतीय एस्टेट में जो अमीर वर्ग थे उनका अधिकार था। तृतीय एस्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स टाइल था। जो थर्ड एस्टेट था, किसान थे, वकील था, शिक्षक था, कारीगर था, भूमिहीन मजदूर था, इन सभी से जो है टैक्स राजा लेता था। और उस राजा का वो टैक्स जो था उसका नाम टाइल था। टाइल कई बार एग्जाम में, प्री बोर्ड में अक्सर ये टीचर पूछते भी हैं कि टाइल क्या था। तो टाइल जो है वो तृतीय एस्टेट के द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स था टाइल। प्रथम दो एस्टेट जो थे पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। जो प्रथम एस्टेट था और द्वितीय एस्टेट था उसको कुछ जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त था। जन्म से विशेषाधिकार का क्या मतलब कि जो व्यक्ति राजा के घर में जन्म होगा वो राजा ही बनेगा, जो चर्च के पादरी के जन्म घर में जन्म लेगा वो फादर बनेगा। और उसको कुछ स्पेशल राइट्स थे। क्या क्या स्पेशल राइट्स था कि राज्य को दिया जाने वाला टैक्स से छूट, वो व्यक्ति जो राजा का सगा संबंधी होगा, राजा के घर में पैदा होगा, फादर के घर में पैदा होगा, चर्च के पादरी के घर में पैदा होगा, वो टैक्स नहीं देगा राजा को। तो ये जन्मजात था, जन्म से भी अधिकार प्राप्त था इनको। उसके बाद राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय एस्टेट द्वारा वहन किए जाते थे। यानी जितना टैक्स राजा या चर्च लेता था वो केवल थर्ड एस्टेट के लोग ही देते थे। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट, यानी फादर जो चर्च का पादरी था वो किसी को टैक्स नहीं देता था, जो राजा के सगे संबंधी थे वो किसी को टैक्स नहीं देते थे। तो क्या होता था कि जितने भी टैक्स पेयर थे वो सारे जो है थर्ड एस्टेट द्वारा दिए जाते थे। उसके बाद 1774 ईस्वी में लुई सोलहवां 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। लुई सोलहवां कब गद्दी पर बैठा? 1774 में। 1774 ईस्वी में लुई सोलहवां फ्रांस की राजा के गद्दी पर, राजगद्दी पर बैठा। यह फ्रांस के पूर्वो राजवंश का राजा था। कि ये एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। लुई सोलहवां किस वंश का राजा था? बुर्बो वंश का। और इनका जो शादी था, इनका जो विवाह था, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुई थी। इनका विवाह किनसे हुआ था? ऑस्ट्रिया, फ्रांस के पड़ोस में एक ऑस्ट्रिया है, जर्मनी के पास एक ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। मेरी एंटोनेट याद रखेंगे। 1774 में राजा कौन था? लुई सोलहवां। उनकी शादी किससे हुई? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट। उसके बाद राज्यारोहण के समय जब उनका राजा बन रहा था, उस टाइम पे उनका जो राजकोष था लगभग खाली हुआ पड़ा था। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर जी खाली क्यों था राजकोष? अभी देखते हैं। राजकोष खाली होने के अनेक कारण थे। राजा का राजकोष, जब राजा लुई सोलहवां राजा की गद्दी पर बैठा तो उनका राजा का जो कोष था, भंडार था, वो लगभग खाली पड़ा हुआ था। इसके रीजन क्या क्या थे कि फ्रांस लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना। फ्रांस क्या हो रहा था, कई सालों से युद्ध लड़ रहा था, कई सारे कंट्री के साथ युद्ध लड़ रहा था, और इससे क्या हो रहा था, युद्ध लड़ने में उनका जो खजाना था वो लगभग समाप्ति के कगार पर आ गया था। दूसरा, पूर्ववर्ती राजाओं की शानो शौकत पर फिजूल खर्ची। लुई सोलहवां से जो पहले राजा हुए, लुई फिफ्टींथ, लुई फोर्टींथ, वो राजा जो थे
उन राजाओं के सानो सौकत पर बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची हो रहा था, एक्स्ट्रा खर्च किया जा रहा था। इस कारण से राजा का राजकोष क्या हो रहा था, खाली होता जा रहा था। उसके बाद अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना। बच्चों, जिस तरह से भारत ब्रिटेन का गुलाम था, उसी तरह से अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था, यानी ब्रिटेन ने अमेरिका को गुलाम बना रखा था। तो अब क्या किया, फ्रांस जो है वो अमेरिका को हेल्प कर रहा था ताकि अमेरिका स्वतंत्र हो सके। तो इससे फ्रांस को कोई फायदा नहीं था, लेकिन चूंकि फ्रांस जो है अपना ताकत दिखाने के लिए, विश्व में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, विश्व में अपना दादागिरी कायम करने के लिए फ्रांस जो है वो अमेरिका को हेल्प कर रहा था। लेकिन फ्रांस के राजा को यह भी देखना चाहिए कि भाई हमारा राजा का जो कोष है वो खाली होता जा रहा है, हमारे देश की जनता को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे देश की जो जनता है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो पहले राजा को क्या चाहिए कि अपने देश की जनता पर ध्यान दे, अपने देश के रोजगार पर ध्यान दे, न कि किसी दूसरे देश की मदद करे। अमेरिका की मदद कर रहा था और इनका राजकोष खाली होता जा रहा था। तो जो फ्रांस के लोग थे उनके मन में, उनके जनता के मन में अपने राजा के प्रति मनमुटाव, द्वेष, गुस्सा, नाराजगी बढ़ता जा रहा था उस प्रकार। और नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या का बढ़ना और जीविका संकट। फ्रांस में बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था और लोगों के सामने रोजगार था ही नहीं, क्योंकि राजा जो है जनता पर ध्यान दे नहीं रहा था, दूसरे देशों से युद्ध करने में लगा हुआ था, अमेरिका को स्वतंत्र कराने में लगा हुआ था और अपने फिजूल खर्ची पर खर्च अधिक कर रहा था। तो इस कारण से राजा का जो राजकोष था, वो राजा का जो भंडार था, वो खाली होता जा रहा था। तो बच्चों, ये था, यही सारे कारण थे कि फ्रांस में जो है राजा के विरोध में लोगों के मन में द्वेष भाव बढ़ता चला गया। अब अंतिम में ऐसा हुआ कि राजा का राजकोष खाली था और जनता से जबरन वो राजा टैक्स वसूले जा रहा था, जनता टैक्स देना नहीं चाह रही थी। कई सालों से फ्रांस में अकाल पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हुई थी, तो लोग जो है वहां फसल नहीं उग रहा था और जनता जो है जनता टैक्स देने के कंडीशन में नहीं थी, जबकि राजा जो लुई 16वां था वो जबरन राजा से टैक्स वसूल कर, जबरन जनता से टैक्स वसूल करता जा रहा। तो जनता को बहुत इस बात का गुस्सा होता जा रहा था कि भाई एक हमारे पास फसल नहीं उग रहा है। और बच्चों, एक खुश दुखी की बात यह है कि जनता इस तरीके से परेशान था कि आपके एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा सेंटेंस जब आप पढ़ोगे कि जनता में इस तरीके से भूखमरी था कि लोग एक दूसरे के मरने के बाद हड्डियों का आटा बना करके खा रहे थे, हड्डियों का चूरा बनाकर खा रहे थे। इस तरीके से लोग परेशान थे क्योंकि गेहूं की फसल नहीं हो रही थी और इधर राजा के खजाने में गेहूं सड़ रहा था, चूहे खा रहे थे। लेकिन राजा जो है वो जनता की भलाई के लिए रत्ती भर का भी काम नहीं कर रहा था, उल्टे राजा जो है जनता से टैक्स वसूल कर रहा था। इन सब कारणों की वजह से जनता के मन में अपने राजा लुई 16वां के प्रति गुस्से की भावना बढ़ती चली गई और सभी जनता में धीरे धीरे थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, इन लोगों ने मिलकर के राजा के विरोध में एक कैंपेन चलाया, एक विरोध आंदोलन चलाया। देखते हैं, मध्यम वर्ग जिसमें वकील, टीचर, लेखक, राइटर, विचारक आदि आते थे, ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों पर प्रश्न करना शुरू कर दिया। जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, टीचर थे, लॉयर था, इंजीनियर थे, इन लोगों ने कहा कि भाई तुम्हें जन्म से कोई अधिकार प्राप्त हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अमीर घर में पैदा हुए, क्या तुम राजा को टैक्स नहीं दोगे? आप चर्च के फादर के घर में पैदा हो गए, तो क्या आप राजा को टैक्स नहीं दोगे? लेकिन करीब 5-7% जो लोग थे, जो स्पेशल राइट्स था, उन लोग राजा को टैक्स नहीं देते थे, सारा टैक्स जो है थर्ड एस्टेट को देना पड़ता था। तो थर्ड एस्टेट ने इनके विशेष अधिकारों पर क्वेश्चन मार्क करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई। एस्टेट जनरल का मतलब था राजा, प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट, तीनों की जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में तीसरे एस्टेट के लोग संख्या पर आधारित मतदान की मांग करने लगे। संख्या पर आधारित का मतलब कि जितने लोग, जिसकी संख्या है 92% के आसपास, 93% के आसपास जो पॉपुलेशन था, जो जनसंख्या थी, वो तृतीय एस्टेट का था। तो तृतीय एस्टेट के मेंबर चुन करके ज्यादा आना चाहिए पार्लियामेंट में, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन लुई 16वां ने उनकी मांग खारिज कर दी, जिसके विरोध में तृतीय एस्टेट के लोगों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। क्या हुआ, जब तीनों एस्टेट की मीटिंग हुई
तो जो थर्ड एस्टेट के जो लॉयर थे, थर्ड एस्टेट के जो टीचर थे, जो थर्ड एस्टेट में जो अमीर क्लास के लोग थे, उन लोगों ने उस मीटिंग में कहा कि भाई तृतीय एस्टेट के लोगों की संख्या करीब 90% से अबव है, तो हमारे जो मेंबर हैं वो पार्लियामेंट में अधिक आने चाहिए चुन करके। द्वितीय एस्टेट और प्रथम एस्टेट के लोगों की संख्या कम है तो इनके संख्या कम आनी चाहिए। जबकि इस डिमांड को लुई 16वां जो फ्रांस का राजा था उसने कहा, डिनाई कर दिया, कहा नहीं नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, उसके बाद बहिष्कार कर दिया। तो तृतीय एस्टेट के लोगों ने कहा, हम जब हमारी कोई पूछ ही नहीं है, जब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है पार्लियामेंट में, तो हम यहां रहकर क्या करेंगे। तो इन लोगों ने सदन का बहिष्कार कर दिया और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए। कौन आए बाहर? तृतीय एस्टेट के लोग, थर्ड एस्टेट के लोग। उसके बाद 20 जून 1789 को वे लोग वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। थर्ड एस्टेट के लोग जो थे, जो भी लोग थे जिनको नेता बनने का शौक था, जिनको देश को आजाद कराने का शौक था, जो फ्रांस की आजादी चाहते थे, वो सारे लोग बच्चों जो है वो वर्साई वहीं पे शहर है फ्रांस में, वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए और अपने आप को अपने से ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। कहा हम लोग नेशनल असेंबली है, हम ही लोग राजा हैं, हम ही लोग देश को चलाएंगे और कोई नहीं है, ऐसा इन लोगों ने अपनी मर्जी से घोषित कर दिया। उसके बाद कर दिया। इधर पूरे फ्रांस में महंगाई और अफवाहों का बाजार गर्म था, पूरे फ्रांस में महंगाई बढ़ गई थी, भीषण अकाल पड़ा हुआ था, एक लोग दूसरे लोगों को मारने पर उतारू थे। ऐसे कंडीशन में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने लगे, जगह जगह जो है वो हिंसा होने लग गया, मारकाट होने लग गया। उसके बाद 14 जुलाई 1789 को जो भीड़ था, सारे फ्रांस के लगभग लगभग जनता, पूरे फ्रांस की जनता इकट्ठा हुई, करीब करीब 10 लाख से अधिक लोग, और उन लोगों ने क्या किया कि जो वर्साई का राजमहल था, जहां लुई 16वां इस महल में रहता था, वो जगह का नाम था वर्साई, जहां पे रोज राजा रहते थे, वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा किला था, राजमहल था, उस किले को चारों तरफ से फ्रांस की जनता ने घेर लिया। और घेरने के बाद क्या किया, जो वहां राजनीतिक कैदी थी, जिन लोगों को राजा ने गिरफ्तार कर रखा था, उन सबको उन्होंने छुड़ा लिया और राजा को जो है गिरफ्तार करने के लिए नारेबाजी करने लग गए। और इस प्रकार जितने लोग थे उन लोगों ने बास्तिल के किले से एक एक ईंट उखाड़ लिया और उखाड़ करके वो उस ईंट को अपने घरों में ला करके रखने लग गए। इसका रीजन क्या था, वो लोग इस बात को जानना चाहते थे कि हमने भी फ्रांस की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां यह मानेगी कि यह वर्साई के राजमहल का ईंट है और हमने उस वर्साई को के महल से ईंटें लाकर हमने अपने घरों में रखा है। इसका मतलब था फ्रांस की आजादी का प्रतीक वो ईंट था। जिन जिन लोगों ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया था, वो सारे वर्साई के किले से ईंटें को, एक दो ईंटें को तोड़ करके अपने घरों में एक सम्मान के लिए, एक आजादी के प्रतीक के सिंबल के रूप में वो रखना चाहे, और कुल मिलाकर के पूरा वर्साई जो है वो तहस नहस कर दिया गया। और इस प्रकार 14 जुलाई 1789 को 14th of July 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई, जिसे पूरे विश्व में इस क्रांति ने तहलका मचा दिया। क्या हुआ, जब फ्रांस की स्वतंत्रता की बिगुल बजा तो धीरे धीरे पूरे विश्व में जो है स्वतंत्रता के लिए आंदोलन होने लगा। सब लोग अपने राजा के विरोध में धीरे धीरे जो है, फ्रांस के पड़ोस में जर्मनी था, फ्रांस के पड़ोस में ब्रिटेन था, फ्रांस के पड़ोस में कई सारे और पोलैंड था, ऑस्ट्रिया था, उन सब देशों की जनता ये सब चीज देख रही थी कि भाई इतना पावरफुल कंट्री फ्रांस, फ्रांस का राजा जो लुई 16वां था वो बहुत ताकतवर था, उसके बाद सारी जनता ने राजा का विरोध कर दिया, तो भाई हम लोग भी अपने देश में राजा का शासन को हटा सकते हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे फ्रांस के अनेक कंट्री में फ्रांस की तरह ही राजा का विरोध होने लग गया, राजा का सिस्टम खत्म होने के लिए आंदोलन होने लग गया। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो बास्तिल का किला था, किले का नाम याद रखना है दोस्तों, बास्तिल का जो किला था वो फ्रांस में था, और बास्तिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। निरंकुश शब्द का मतलब होता है कि जो बास्तिल का किला था वहीं राजा रहता था, और जो किला था वो निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। इसका मतलब यह है बच्चों, निरंकुश शब्द का मतलब होता है कि ऐसा राजा जो केवल अपनी मर्जी से शासन चलाता हो, ऐसा राजा
जो ये लोगों को ये कहता था कि मेरे शब्द ही कानून है, मैंने जो बोल दिया वो वही कानून है, मेरा कोई विरोध नहीं कर सकता क्योंकि मैं राजा का भेजा गया प्रतिनिधि हूं। राजा ने, ईश्वर ने राजा मुझे इसीलिए बनाया है ताकि मैं जनता पर राज कर सकूं, फ्रांस की जनता पर राज कर सकूं। कोई भी व्यक्ति जो फ्रांस का था वह राजा का विरोध नहीं कर सकता था, इसी बात का प्रतीक था, सिंबल था बास्टिल का किला। उसके बाद अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। जब फ्रांस के जनता का जो विरोध था वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लग जा रहा था तो राजा को आभास हो गया, क्योंकि राजा के सैनिक तो हर जगह रहते हैं, तो राजा को जब आभास हो गया कि भाई अब ऐसा लग रहा है कि जनता जो है फ्रांस की जनता हमारे विरोध में कहीं विद्रोह न कर दे, तो उन्होंने क्या कर दिया कि लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दिया। अब नेशनल असेंबली को मान्यता दे दिया 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधन वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। जो नेशनल असेंबली थी उस नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया, नेशनल असेंबली का मतलब है एक ऐसा 3-4-5 लोगों की टीम थी और वही डिसीजन लेने के लिए उसी को राजा ने पावर दे दिया। तो नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया, एक तो टैक्स को, दूसरा काम करने का तरीका और बंधन वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। कहा कि जो सामंती व्यवस्था है, जो राजा का वाला सिस्टम है, उसको खत्म करते हैं हम लोग। अब ध्यान देना 1791 में 4 अगस्त 1789 को जो है फ्रांस लगभग राजतंत्र स्वतंत्र हो चुका था। अब क्या हुआ, 89 से चलते रहा और यही काम जो है नेशनल असेंबली जो है अब फ्रांस को चलाने लग गया। 1789 4 अगस्त को, 14 जुलाई को राजा को गिरफ्तार किया गया था, जुलाई अगस्त करीब 15-20 दिन के बाद राजा ने अपना जो पावर था वो नेशनल असेंबली को दे दिया और नेशनल असेंबली 5 लोगों की टीम थी। तो नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया कि जो सामंती सरकार थी उसको खत्म कर दिया, राजा का जो पद था उसको खत्म कर दिया। अब क्या वो यही नेशनल असेंबली जो है फ्रांस का शासन देखने लग गया, फ्रांस का शासन जो है चलाने लग गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1791 फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। यहाँ पे क्या हुआ कि राजा का शासन ही चलता रहा लेकिन संवैधानिक तरीके से, नियम कानून तरीके से। पहले जो शासन चलता था वो निरंकुश होता था, राजा कोई भी डिसीजन राजा ही लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब बहुत सारे लोग डिसीजन देते थे, उनके डिसीजन को एक्सेप्ट किया जा रहा था, राजतंत्र ही लेकिन संवैधानिक राजतंत्र था, नियम कानून के अनुसार देश चलने लग गया था। अब नया जो संविधान बनाया गया फ्रांस में, संवैधानिक राजतंत्र, अभी मैंने शब्द यूज किया संवैधानिक राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब है राजा का सिस्टम तो चलता रहा लेकिन संविधान के तहत राजा काम करेगा, संविधान को मानेगा। पहले लुई 16वां संविधान को नहीं मानता था, केवल अपने जो शब्द होते थे वही कानून था। उसने अपने कहा भी था कि मेरे शब्द ही कानून है, मैंने जो एक बार बोल दिया वही कानून है, उसका कोई भी व्यक्ति फ्रांस का विरोध नहीं कर सकता, फ्रांस में रहने वाला कोई भी व्यक्ति मेरे बनाए गए नियमों का विरोध नहीं कर सकता। तो इस प्रकार बच्चों अब जो है क्या हो गया कि जब नया संविधान बनाया गया तो नया संविधान में क्या कर दिया गया कि फ्रांस में मतदान का अधिकार केवल एक्टिव मेंबर को ही मिला। फ्रांस का जो अब जो वोट देने का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन वोट कौन कर सकता था, जो सक्रिय नागरिकों को मिला, जो पुरुष थे जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी तथा जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, जो राजा को टैक्स देते थे कम से कम 3 दिन का टैक्स देते थे, जिसकी उम्र 25 साल थी और जो 25 वर्ष थी और कम से कम 3 दिन की मजदूरी, जो भी उनकी उस समय की मजदूरी रहती होगी, कम से कम 3 दिन की अगर सैलरी वो चुकाता था टैक्स के रूप में, तो वही व्यक्ति वोट दे सकता था। उसके बाद
महिलाओं एवं पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा गया। जो महिला और पुरुष थे, जो नॉर्मल महिला और पुरुष थे, जो राजा को टैक्स नहीं देते थे, उनको निष्क्रिय नागरिक कहा गया, यानी वो वोट नहीं दे सकते थे। तो संविधान तो बनाया गया, लेकिन सभी लोगों को वोट देने का अधिकार फ्रांस में नहीं दिया गया। उसके बाद राजा की शक्तियों को, राजा का जो पावर था, उसको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया गया। यानी जो राजा का पावर था, पहले राजा का पावर केवल राजा के पास होता था, हर तरह के डिसीजन वही लेता था, चाहे किसी को न्याय देना हो, किसी को फांसी पे चढ़ाना हो, किसी सैनिक की कोई बात हो, हर तरह के डिसीजन राजा ही लेता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, पावर जो है बांट दिया गया विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में। अब बच्चों यहां पे आप 11th क्लास की जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, 9th क्लास में भी बच्चों को ये चैप्टर दिया गया है, वहां आप डिटेल से पढ़ोगे। केवल यहां समझ लो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है। दोस्तों विधायिका जो जिसको हम वोट देते हैं, जो नेता होता है, जो कानून बनाता है, वो विधायिका कहलाता है। यानी कानून बनाने वाला जो मंत्री है, जो कानून बनाता है, वो सारा विधायिका है। कार्यपालिका जो कानून को लागू करता है, जितने पुलिस हैं, राष्ट्रपति हैं, ये कार्यपालिका है। और न्यायपालिका का मतलब होता है दोस्तों जो जज है, जो जज है, जो फैसला सुनाता है, किसी व्यक्ति को दंड देता है, वो न्यायपालिका है। पहले ये सारा काम कौन करता था, लुई 16वां। दंड भी वही दे रहा है, कानून भी वही बना रहा है, कानून को लागू भी वही कर रहा है। अब क्या कर दिया, पावर का बंटवारा कर दिया गया कि भाई कानून कोई और बनाएगा, जो राजा के मंत्री होंगे, जो चुन करके पूरे फ्रांस से आएंगे, जो विधायिका कहलाएंगे, वो कानून बनाएगा। कार्यपालिका जो पुलिस प्रशासन है, वो उसके लागू करेगा। और न्यायपालिका जो जज होगा, जो फैसला सुनाएगा, जो लोगों को फांसी पर चढ़ाएगा, उसे लगेगा कि किसकी गलती है, ऐसे व्यक्ति को न्यायपालिका में कहते हैं। तो इस तरह से राजा का जो पावर था वो तीन भागों में बढ़ गया। पहले राजा का पावर सिंगल व्यक्ति के पास होता था, इसीलिए राजा निरंकुश होता था कि जो भी फैसला देना होता था राजा केवल अपनी मर्जी से देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया। उसके बाद 10 अगस्त 1792 को, दोस्तों पूरी समरी बता रहा हूं, इस चैप्टर को इतने आसान लैंग्वेज में, इतने कम शब्दों में पूरे फ्रांस की क्रांति का किसी ने समरी नहीं बताई है। समरी बताने के बाद हम फिर क्वेश्चन और आंसर पे आएंगे कि 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, यहां से 1 मार्क के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, वो सारा क्वेश्चन एक एक करके आपको आसान भाषा में मैं बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, 10 अगस्त 1792 को जैकोबियन क्लब के सदस्यों ने रोबेसपियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1991 तक चलता रहा। 10 अगस्त 1792 को जैकोबियन क्लब का सदस्य था रोबेसपियर। जैकोबियन क्लब, वहां दो क्लब था, तो जो जैकोबियन क्लब का जो मेंबर था, जो हेड था, वो रोबेसपियर था दोस्तों। तो रोबेसपियर के नेतृत्व में जो है, रोबेसपियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ, जो नई शासन व्यवस्था था उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया गया। और इन्होंने, इन लोगों के, इनके सगे संबंधियों ने, इनके जो फॉलोवर्स थे, इनको जैकोबियन क्लब के जो मेंबर थे रोबेसपियर, इन सब ने क्या कर दिया, 1792 ईस्वी में फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। क्या कर दिया, फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। अब गणतंत्र घोषित क्या, गणतंत्र का क्या मतलब है कि फ्रांस में अब ऐसा कोई भी राजा नहीं बनेगा जो वंशानुगत हो, यानी लुई 16वां के वंश का हो, या कोई भी राजा ऐसा नहीं होगा जिसके पूर्वज जो है मंत्री रहे हैं या राजा रहे हैं, उन्हीं का बेटा राजा नहीं होगा। तो इस प्रकार से फ्रांस को रोबेसपियर की पार्टी ने रोबेसपियर की पार्टी का नाम था जैकोबियन क्लब। क्या नाम था दोस्तों, जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब के जो हेड थे रोबेसपियर ने फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। और अब
जो नया सरकार गठित हुआ नव निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। अब जो इनकी पार्टी के लोग जो फ्रांस में शासन करने लग गए तो उनको उनका नाम क्या दिया गया, कन्वेंशन। कन्वेंशन तो क्वेश्चन आया हुआ है, कन्वेंशन का क्या मतलब है? कन्वेंशन का मतलब है रोबोस्फेयर के नई सरकार ने जो बनाया नियम कानून जो ने असेंबली निर्वाचित किया उसका नाम कन्वेंशन दिया गया। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16वां को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गई। 1791 ईस्वी को क्या किया गया, लुई 16वां को, देखो 1793 ईस्वी में 1793 ईस्वी को लुई 16वां को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गई। देखो वही राजा था जो पूरे विश्व का अपने सबसे ताकतवर राजा समझता था, जिस किले में रहता था उस किले को अभेद्य कवच किला कहा जाता था। पूरे विश्व में ऐसा किला उस टाइम में कोई नहीं था, इतना पावरफुल राजा कोई नहीं था, और उस राजा को फांसी दे दिया गया। इसीलिए कभी भी निरंकुश नहीं होना चाहिए राजा को। देखिए 1793 और 1794 ईस्वी के दौरान रोबोस्फेयर ने क्रूरतापूर्वक राज्य किया। अब क्या हुआ, 1793 में रोबोस्फेयर राजा तो बन गया, संविधान को लागू तो कर दिया, और उन्होंने कन्वेंशन को, असेंबली जो था संसद को कन्वेंशन तो नाम दिया गया, लेकिन ये बहुत ये अत्याचारी एक तरह से आतंक का राज कहा गया। यानी क्वेश्चन आया हुआ है कि 1793 और 1794 को आतंक का राज क्यों कहा जाता है, तो हम जब क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे वहां देखेंगे। आपको यहाँ पे केवल ये ध्यान रखना है कि आतंक का राज किसके नेतृत्व में बनाया गया, किसने आतंक का राज कायम किया, तो दोस्तों रोबोस्फेयर ने। और रोबोस्फेयर किस पार्टी का था, रोबोस्फेयर जैकोबियन क्लब का हेड था, जैकोबियन क्लब का मेंबर था, जैकोबियन क्लब का सरदार था, जैकोबियन क्लब का राजा था। तो जैकोबियन क्लब ने, क्लब का जो मेंबर था रोबोस्फेयर, उसने आतंक का राज कायम कर दिया। उसके बाद इसलिए इस काल को आतंक का काल कहते हैं। जून 1794 ईस्वी को रोबोस्फेयर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। अब देखो 1794 ईस्वी में फिर इसको फ्रांस के दूसरे व्यक्तियों ने इसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया। अब गिलोटिन क्या था, ये सारे क्वेश्चन आया हुआ है। गिलोटिन का मतलब था एक आरे वाली मशीन, एक लोहे की ऐसी मशीन थी जिसको लोगों को, आरे की मशीन थी जिसको, जिस पर गला रख दिया जाता था और बटन दबा दिया जाता था, वह मशीन गले को काट देता था। यानी एक तरीके से फांसी पर चढ़ाने का तरीका था बिजली से चलने वाली फांसी देने वाली एक ऐसी मशीन थी जिसको कहा गया गिलोटिन। क्या कहा गया, गिलोटिन। अब रोबोस्फेयर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, फांसी दे दिया गया। रोबोस्फेयर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। यानी रोबोस्फेयर जब मर गया, रोबोस्फेयर को जब फांसी दे दिया गया, तो अब जो सत्ता पर कब्जा किया फ्रांस पर, वो वहां के मिडिल क्लास के लोगों ने, मध्यम वर्ग के लोगों ने कब्जा कर लिया फ्रांस के शासन पर। और इन लोगों ने क्या किया, 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया, कहा गया जो फ्रांस का शासन देखती थी। इन लोगों ने, मिडिल क्लास के लोगों ने, मध्यम क्लास के लोगों ने क्या किया, 5 लोगों की एक टीम बनाई और उसका नाम डायरेक्टरी दिया, डायरेक्टरी। और इन लोगों को पूरे फ्रांस का शासन देखने की जिम्मेदारी दिया गया। अब क्या हुआ, लेकिन अक्सर जो है विधान परिषद से उनके हितों का टकराव होता रहता था। इन लोगों को पावर तो दे दिया गया, लेकिन जो विधान परिषद, जो चुन करके व्यक्ति आए हुए थे, वो इनके कामों में दखल देते थे, वो इनके कामों में रोड़ा लगाते थे, वो इनके कामों को रोकने की कोशिश करते थे। तो दोस्तों इस प्रकार जो है टकराव होने लग गया, जो डायरेक्टरी का शासन था और जो विधायिका था, इन दोनों के आपस में विचार में
कानून बनाने के नियमों में टकराव होने लगा। इस अब क्या हो गया, फिर दोबारा से फ्रांस जो है राजनीति के रूप में अस्थिर हो गया, राजनीतिक अस्थिरता आ गया। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब है कि अब कोई पता ही नहीं चल रहा था कि भाई फ्रांस का शासन, अरे कोई तो देखो, कोई तो ऐसा राजा हो फ्रांस में जो फ्रांस को अच्छे से चला सके। क्या यार कि पहले लुई 16वां हुआ, उसके बाद उसको जब फांसी पे चढ़ा दिया गया, फिर रोबोस्पियर आ गया, फिर रोबोस्पियर ने 2 साल आतंक मचा रखा फ्रांस में, फिर मिडिल क्लास के पास आ गया। अरे भाई क्या यार, फ्रांस, चूंकि फ्रांस पूरे विश्व को एक तरीके से लीडरशिप कर रहा था, पूरे विश्व की जनता फ्रांस के क्रांति की तरफ देख रही थी, पूरे विश्व की जनता जो है फ्रांस को देख रही थी कि भाई फ्रांस में जो इतना पावरफुल राजा को जनता ने उखाड़ फेंका है, लुई 16वां जिसके नाम से पूरे विश्व के हर राजा उनका रिस्पेक्ट करता था उनके डर से, और आज लुई 16वां को फांसी दे दिया गया। उनके बाद जो है रोबोस्पियर आया, उनको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। फिर वहां 5 लोगों की टीम नियुक्त किया गया डायरेक्टरी, और उनका आपस में जो है टकराव होने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, तो इस तरह से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, राजा कौन बनेगा, देश कैसे चलेगा, ये लोगों को पता ही नहीं चल रहा था। फ्रांस के लोग इस बात से खुद ही निराश थे कि फ्रांस का क्या होगा, फ्रांस का भविष्य क्या होगा, फ्रांस में कौन राजा आएगा, कैसा होगा, ये लोगों को पता नहीं था। दूसरी तरफ फ्रांस एक तरीके से भूखमरी से गुजर रहा था, एक तरीके से अकाल से गुजर रहा था। हालांकि वहां किसानों की कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन कई सारे शहरों में, कई सारे राज्यों में वहां कंडीशन जो है बहुत ज्यादा खराब थी। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाए। फ्रांस में क्या था, किसी को पता नहीं था क्या होगा अगले पल का। जब वहां फ्रांस जो है कोई ऐसा पावरफुल राजा नहीं था, और उसी टाइम पर फ्रांस में नेपोलियन ने अब इस कंडीशन का फायदा उठाया, और नेपोलियन जो है उठाया, और उसने 1799 ईस्वी में फ्रांस में डायरेक्टरी को खत्म कर दिया। जिस डायरेक्टरी को इन्होंने अपॉइंट किया था, उन्होंने डायरेक्टरी को खत्म कर दिया, और 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन गए। फिर से नेपोलियन जो है 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन गया। अब क्या हुआ, फ्रांस का सम्राट बन गया, वह शासन करता रहा। अब नेपोलियन ने शासन करता तो रहा, लेकिन नेपोलियन की महत्वाकांक्षा, नेपोलियन की इच्छा बढ़ती चली गई। अब वो फ्रांस पर कब्जा करने के बाद यूरोप के अन्य देशों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया उसने। उसकी इच्छा जग गई कि मैं पूरे विश्व का सम्राट बनना है मुझे। अब भैया अपने देश का राजा बने हो, यहां राज कर लो, नहीं, पूरे विश्व पर कब्जा करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके बाद विश्व के कई सारे देशों ने मिलकर के ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने के बाद 1815 ईस्वी में उसको हराया, और हरा करके उसे नेपोलियन को जो है बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद नेपोलियन को जो है वाटरलू में भेज दिया गया, और इस प्रकार जो है यहाँ भी कई सारी कहानियां है कि नेपोलियन की हत्या कैसे हुई, नेपोलियन को कहाँ ले जाया गया। तो 9th क्लास में इतना डिटेल से अगर आप पढ़ेंगे, तो बुक पढ़ेंगे तो आपको वहां से और क्लियर होगा। तो इस प्रकार जो है नेपोलियन का पतन हो गया, और इस प्रकार फ्रांस जो है एक बार फिर से जो है संवैधानिक गणतंत्र बन गया, और फ्रांस जो है पूरे विश्व के सभी देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। विश्व के सभी देशों की जनता इस बात को देख रही थी कि जब फ्रांस की जनता लुई 16वां को हरा सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं। इसके बाद ब्रिटेन में आंदोलन होने लग गया, ब्रिटेन की जनता अपने राजा के विरोध में आंदोलन करने लगी, जर्मनी में, इटली में, उधर इटली में आंदोलन होने लग गया, उधर पोलैंड में आंदोलन होने लग गया। कई सारे यूरोप के कंट्री थे जहां की जनता फ्रांस की देखा देखी करके आंदोलन करने लगी, उधर अमेरिका में आंदोलन होने लग गया, और अमेरिका जो है वो ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया। तो इस प्रकार बच्चों ये एक कहानी थी, समरी थी, आप सबों ने डिटेल से देखा। तो बच्चों सभी ये वीडियो जो है केवल 9th क्लास के बच्चे अपने तक नहीं रखें, दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि बच्चों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और सभी बच्चों का अगर प्यार और स्नेह मुझे मिलता रहा तो मैं इसी प्रकार एक नए नए वीडियो,
एक अच्छे तरीके से मेहनत करके आपके बीच में बनाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।